खालसा एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को सेकेंड डोज लगाया। विद्यालयों के छात्रों में उत्साह देखने को मिला। दो दिन पहले हुए प्रथम सत्र में विद्यालय को प्राप्त टारगेट को विद्यालय द्वारा 100% पूर्ण किया गया। हम देख रहे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन के चलते ही वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर का अवसर कम रहा। इस अवसर पर स्कूल संचालक मंदीप सिंह भाटिया भी मौजूद रहे। यह वैक्सीनेशन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपक जायसवाल के निर्देशन में हुआ। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण किया गया। झिनिया से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन को लेकर के बच्चे बहुत उत्साहित हैं। बच्चे समय पर आ रहे हैं, सभी बच्चे वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और वैक्सीनेशन आज जो है लगभग आज से पहले एक सेशन हो चुका है, उसमें भी हमारे 100% बच्चों को वैक्सीनेशन लग चुका है, जो हमारा टारगेट था पूरा हमने अचीव किया है। और आज भी लग रहा है कि बिल्कुल जितना उत्साह है बच्चों में, आज का टारगेट भी हम पूरी तरह अचीव करेंगे। अभी तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो गया आज के दिन? अभी तक 20 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। क्या नाम? मंदीप सिंह भाटिया। क्या बात है? संचालक खालसा एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।